Hello guys, welcome back to my channel. That name is All Subject Learning. Sorry, that is my old channel name. So now we change the name of our channel. Now अब हमारे चैनल का नाम है और कूल स्कूल. ओके, सो आपने कूल स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें. सो हमने 1.3 ऑटोबायोग्राफी ऑफ ग्रेट इंडियन बूस्टर हमने देखा है का फर्स्ट पेज हमने देखा था. सो यहाँ तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, यहाँ से अब हमारा स्टार्ट हो रहा है. तो जो वी हैव स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट आवर एग्स फ्रॉम प्रेडेटर, जो क्या बोलते हैं ग्रेट इंडियन बूस्टर बोल रहे हैं, हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है, ट्रिक है, जिससे हम हमारे एग्स को प्रोटेक्ट करते हैं. एग्स लुक लाइक अ स्टोन, जो हमारे एग्स होते हैं वो स्टोन के जैसे दिखते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं. मॉनिटर रिजार्ट फॉक्सेस डॉग पिग स्नैक ईगल आर एनिमीज ऑफ माई एग्स एंड चिक, जो पिग स्नैक मॉनिटर रिजार्ट फॉक्स डॉग ये जो भी है ये हमारे दुश्मन है, हमारी एनिमीज है, जो एग्स है वो खा जाते हैं, चिक को भी खा जाते हो उनके. बट माई वाइफ प्रोटेक्ट दी एग्स फ्रॉम ऑल ऑफ देम, तो बोल रहा है जो ग्रेट इंडियन मिसेस बूस्टर्ड है वो हमारे एग्स को प्रोटेक्ट करती है. बाय द टाइम अवर यंग वन हैच आउट ऑफ द रेन अराइव्स देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रासेस स्वैमिंग विथ इंसेक्ट फ्रेश फूड फॉर माई फैमिली. जब भी बारिश का मौसम होता है, बारिश रेन ये सीजन स्टार्ट होता है, जब घास होते हैं, पक्षी होते हैं, वो जो उनकी फैमिली को एकदम फ्रेश फूड मिलता है, इंसेक्ट भी होते हैं उन्हें फ्रेश फूड मिलता है. ओके, यंग वंस ऑफ अदर बर्ड्स सन फ्लाई अवे फ्रॉम नेस्ट, बट अ ग्रेट इंडियन बूस्टर मदर एंड चिक स्टे टुगेदर फॉर नियरली वन ईयर. जो बाकी पक्षी होते हैं उनके बच्चे उड़ के कहीं चले जाते हैं, लेकिन जो ग्रेट इंडियन बूस्टर की जो हम सब एक साथ रहते हैं, ऐसा वो बोल रहा है. ओके ठीक है. द चिक लर्न मैनी गुड हैबिट फ्रॉम हर मदर. ओके ठीक है. अभी अगला सेकंड पैरा मैं पढ़ लेता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू. यू मे हैव हर्ड अबाउट द ग्रेट वुमन फ्रेंड ऑफ आवर डॉक्टर सलीम अली. ओके, ही हैड इवन सजेस्टेड दैट वी शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, बट द ऑनर वेंट to our beautiful relative the peacock. I am happy to tell you that I am a state bird of Rajasthan. Okay, आप ये बोल रहे हैं कि आप डॉक्टर सलीम अली को तो जानते होंगे, वो ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड है, एक बहुत बड़े मानव फ्रेंड है, ऐसा वो बोल रहा है. और उन्होंने मुझे बोला था, उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया था कि आप नेशनल बर्ड का अवार्ड स्वीकार करिए, लेकिन उसने क्या बोला, मैं पर उनके ही रिलेटिव पीकॉक है, उनको उन्होंने नेशनल बर्ड का अवार्ड दिया, ये दिया ब्यूटीफुल. लेकिन वो बोल रहा है मुझे हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं राजस्थान का स्टेट बर्ड हूँ. ओके, वी हैव गॉट 10 सेंचुरी फॉर आवर प्रोटेक्शन, बट सैडली आवर नंबर इज स्टिल गोइंग डाउन. हमें 10 सेंचुरीज प्रोटेक्शन के लिए दी गई है, लेकिन हमारी जो संख्या है, क्या है, संख्या डे बाय डे कम हो रही है, जो क्वांटिटी है वो डे बाय डे. इसका रीज़न क्या है कि जो अंडे होते हैं, अंडा उनका, वो साल में कितने साल में एक ही बार आता है, ठीक है, वह भी एक ही. ओके, वी यूज टू लिव इन ऑल सॉरी सॉरी
वी यूज टू लिव ऑल द पार्ट ऑफ इंडिया, हम सभी जगह पर पाए जाते हैं। बट स्लोली द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मैन पुश अस अवे फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ अवर होम रीजन, जो इंसानों की जो जनसंख्या है वो जैसे जैसे पॉपुलेशन में बढ़ रही है, उसके कारण हमें बाहर फेंक दे रहे हो, हमारे घर से हमें निकाल ले रहे, ओके। और जो हंटर्स होते हैं वो हमें किल करते हैं उनके फोन के लिए, उनकी खुशी के लिए, ठीक है। वी ऑल्सो डाई ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी पावर लाइन डैट वी वॉन्ट टू सी वाइल फ्लाइंग, जब हम फ्लाई करते हैं आसमान में, जब हमें इलेक्ट्रिसिटी पावर की जो लाइन होती है, ऐसे खंभे होते हैं बड़े बड़े बड़े, उनके कारण हमारी डेथ हो जाती है, वो कभी कभी छू लेते हैं। वो जो नॉर्मल बर्ड्स होते हैं, कौन नॉर्मल बर्ड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर बैठ सकते हैं, लेकिन ये नहीं बैठ सकते, ओके, ठीक है। टुडे ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड, अभी बोल रहे हम सिर्फ 200 ही बचे हैं इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, हम सिर्फ 200 ही बचे हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी ग्रेट इंडियन बूस्टर लेफ्ट इन अवर वर्ल्ड, आपको ऐसे भी लिखना पड़ सकता है, ऐसे राइट ऐसे ऑन ग्रेट इंडियन बूस्टर मिस्टर मिस्टर एंड मिसेस, ऐसा कुछ भी आ सकता है, सो प्रिपरेशन करके रखिए। यू कैन राइट लेटर टू योर लीडर एंड मेक एन अपीयर टू हेल्प अस, यू कैन मेक माई ड्रॉइंग एंड सबमिट इट to your teacher, you can discuss this with your parents, come to see us at sanctuary, because now you will not see in the other places, and who knows if human do not help us, none of our will be left on the earth, you will only see in our picture, आप यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट करने को बोल रहे हैं, ये प्रोजेक्ट ओके ठीक है, प्रोजेक्ट करने को बोल रहे हैं कि आप मेरी एक ड्राइंग बनाओ और उसके ऊपर हेल्प अस लिखो और आपके टीचर को सबमिट करो, ऐसा बोला गया है, ठीक है। और आप मुझे देखने को आओ, नहीं तो हम सिर्फ आपको तस्वीर ये जो पिक्चर्स में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, ओके। सो ये जो लेसन है, ये ऑटोबायोग्राफी जो है ग्रेट इंडियन बूस्टर की, वो लिखा है डॉक्टर प्रमोद पाटिल, ओके, ठीक है। रिमेंबर हु राइट द लेसन ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ ग्रेट इंडियन बूस्टर, ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है, जो आपको दी डॉक्टर प्रमोद पाटिल रिटन दी लेसन, ओके। सो इसके क्वेश्चन आंसर जिसे भी चाहिए होगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडिट करके डाल दूँगा, ओके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वाले वीडियो लाते रहता हूँ आपके। अभी आपके 2-3 दिनों में एग्ज़ाम है, आई थिंक 2-3 दिनों में, नहीं तो 1 हफ्ते में, 1 वीक में, तो सबको ऑल द बेस्ट। आपको यही तक पोर्शन था, मैंने यहाँ तक आपको कवर करवा दिया। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें बोलिए कि चैनल को सपोर्ट करें, और आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाती है, ओके। सो बाय बाय टू ऑल।